नमस्ते एमबी 14 ब्रांड से मैं ललिता विश्वकर्मा। आज की जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस है फ्रेंड। जैसे कि लॉकडाउन चालू है तो बहुत सारे लोगों को वेजिटेबल्स नहीं मिल रहा है, वैसे भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास बेसन है तो बेसन से आप बहुत ही अच्छी तरह से ये सब्जी बना सकते हो, और ट्रस्ट मी गाइस सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हिलेक्स कुकवेयर में बनाना तो बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी इस तरह से सब्जियां बनाइए और मुझे अपने प्यारे प्यारे वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करना फ्रेंड। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है बेसन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन अनियन, जीरा और तीन चार मैंने यहाँ पे चिलीज काट लिए हैं। सो बेसन का घोल सबसे पहले रेडी करेंगे। तो बेसन में मैंने ऐड किया है हल्दी, हल्दी में थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका अच्छा घोल बना लेना है। सो यहाँ पर मैंने टिबोली स्टेड हिलेक्स कुकवेयर का लिया है फ्रेंड्स, में मैंने बहुत ही ज़रा सा ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब जीरा, जीरा जैसे तड़का मारने लगे उसके बाद मैं ऐड करूँगी हींग, और उसके बाद ऐड करना है आपको अनियंस। और अनियन को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, आप इसमें मिक्सर में भी पीस सकते हैं, अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सारे के सारे मिक्सर में भी आप पीस सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम ऑयल लिया है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं थोड़े सेकेंड के लिए इसे ढक दूँगी ताकि ये स्टीम से अच्छा सा खुशबू आ जाए इसके अंदर। और उसके बाद जो मैंने घोल बनाया है बेसन के वो मैं ऐड कर दूँगी कुछ इस तरह से। आपको थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड करना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है कि ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कुछ इस तरह से आपको चला लेना है अच्छी तरह से। और इसे भी मैं थोड़े देर के लिए स्टीम देकर पका लूँगी। सो देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड किया है इसमें, और इसी तरह से आपको भी थोड़ा थोड़ा डाल के इसे चलाते रहना ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से पका लिया, और थोड़ा सा स्टीम देकर मैं इसी तरह से इसे छोड़ दूँगी। और स्टीम देने के बाद आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है, और इसे एक आपको थाली में निकाल लेना है। तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे बेसन, और बहुत ही अच्छे से ईजिली निकल जाते हैं। और इस तरह से थाली में मैं यहाँ पर ऑयल आप ग्रीस कर सकते हो, मैंने यहाँ पर घी लिया हुआ है फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से घी लगा दूँगी थाली में। और इस सारे के सारे जो मैंने घोल बना लिए थे बेसन का, उसे अच्छी तरह से निकाल के थाली में आपको अच्छे से इस तरह से कुछ कर लेने हैं, मतलब इसे अच्छे से फ्लैट कर देना है। थोड़ा सा हाथ में पानी ले लूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसे मैं अब रख दूँगी फ्रिज के अंदर जी हाँ 5 मिनट करीबन आपको। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप है ग्रेवी। ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने अनियन, टोमेटो एंड जिंजर का एक टुकड़ा ले लिया है, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 20 सेंटीमीटर रेगुलर लिया है फ्रेंड, और इसमें मैं सारे के सारे गरम मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ पे दालचीनी मैंने ले लिया है, बेलीफ ले लिया है, इलायची, लवंग, जीरा ये सब ऐड कर दूँगी, और बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगता है फ्रेंड्स। और देख सकते हो मैंने सारे के सारे गरम मसाले थोड़े थोड़े ऐड कर दिए हैं, और मैं बहुत ही कम ऑयल लूँगी। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड, ये भी आप इसमें नहीं ऐड करोगे तो भी बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी मसाले थे मैंने टोमेटो एंड अनियंस का पेस्ट, उसे अच्छे से डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आती है मसाले की बारी। तो मसाले में मैं यहाँ पर गर्म मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ये सारे के सारे यहाँ पर पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मसाले को रेडी कर लूँगी। और आप इसी तरह से मसाले अगर रेडी करते हो ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और मसाले आपके बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। तो इस तरह से पानी डाल के मैंने इसका एक घोल बना लिया। आप देख सकते हो मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो बेसन का घोल बना के हमने रख लिया था फ्रिज के अंदर उसे मैं निकाल लूँगी, और इसे देखिए कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। और बहुत ही अच्छे से ये जम चुका है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग बाहर आ रही है। और इसे भी हम शैलो फ्राई कर लेंगे। सो मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, और अब हम ऐड करेंगे इसमें ये पानी। टिबोली सेट ले लिया है आप देख सकते हो, और थोड़ा सा इसमें अब हम ऑयल ऐड करेंगे, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ग्रेवी दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। कम ऑयल डाल के स्टीम में ही इसे पका लेंगे। थोड़ा सा राइस बना लिया है।
सब ऐड करते हैं, इसे चलाना नहीं है और आपको इसी तरह से और 5 मिनट ढक के इसे पका लेना है। तो 2 मिनट से रखेंगे इसे, टेम्परेचर लेके 90 तक आया, बंद कर देना है गैस को। सो फ्रेंड्स, आज की ये लॉकडाउन थाली कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, मुझे आपके कमेंट्स के इंतज़ार होते हैं। सो मिलती हूँ आपको इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ।